वाह गीती, बड़ा जबरदस्त पिंड लेकर आई यार तू। एक बात तो बता। आप पूछ। नहीं छोड़ जाने दे। अब पूछ ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं। वैसे ही ऐसे कैसे शोशा छोड़ के कहती है कोई बात नहीं है। अब बता भी। तुझे लगता है शम्स और फलक के बीच कुछ हो सकता है? क्यों, तूने कुछ देखा है क्या? नहीं नहीं देखा कुछ नहीं है, बस वैसे ही पूछ रही थी। होना तो कुछ नहीं चाहिए। तू ही बताई थी कि लंदन जा रही है फलक, वो क्यों शम्स के मुंह लगेगी जो इस मोहल्ले में रहता है? क्या मतलब है तेरा? मेरे होने वाला शोहर उस दानियाल से कम है क्या? नहीं नहीं मेरा मतलब था कि फलक की शादी हो गई, शम्स की शादी तेरे साथ हो जाएगी, उन दोनों के बीच क्यों कुछ होगा? हाँ यही सोच रही हूँ बस मैं। सच सच बता, तूने वाकई कुछ देखा इन दोनों के बीच? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं देखा मैंने, वैसे ही। किसी पे ना बिला वजह ऐसे शक मत किया कर, शक ना सब खा जाता है। ठीक कह रही है तू। यार जबरदस्त रंग लाई है। चल तुझे एक चीज दिखाती हूँ। क्या? ये देख। ओए ये ले आई तू? कॉपी है? पागल है, ओरिजिनल है। वाह घुमाया? कहीं नहीं बस यहीं। तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? बस अभी कमरे में आया था। तुम क्या कर रही हो? आपके फोन का इंतजार कर रही थी, जब नहीं आया तो सोचा मैं खुद कर लूं। मैं बस पढ़ रहा था इसलिए याद नहीं रहा। मुझे फोन करना याद नहीं रहा? इतनी बड़ी गलती, इसकी तो आपको सजा मिलेगी। कैसी सजा? अब आपको फिर मेरे लिए एक गजल लिखनी पड़ेगी। अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जब इम्तिहानात खत्म हो जाए तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर पूरा दीवान लिख दूंगा। शम्स आप नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराज नहीं हो रहा, बस मुझे पढ़ने दो, बाद में बात होती है।